नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण प्रभावी नियंत्रण में है। एक ओर जहां देश के बड़े राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस हर दिन कम होते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग के कारण ही उत्तर प्रदेश के 75 में से 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सीएम के निर्देश पर ट्रैक टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है और हर दिन 2 से 2.5 लाख सैंपल की टेस्टिंग भी की जा रही है। वहीं बीते 24 घंटे में 2,48,152 कोविड सैंपल की जांच भी की गई है और इस दौरान 36 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इसी दौरान 76 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति भी मिली है। वहीं 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश भर में भाईचारा सम्मेलन के साथ ही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की योजना तैयार करने के साथ ही उन्होंने सभी छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि सभी छोटे दलों के लिए हमारे साथ आने के लिए दरवाजे खुले हैं। वह कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आए। वहीं संभावित गठबंधनों पर उन्होंने कहा है कि कई छोटे दल पहले से ही हमारे साथ हैं और भी लाएंगे। और अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी के विचारक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पार्टी 5 अगस्त को यात्रा निकालेगी। बलिया में इसी दिन प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी भी होगी और इसके साथ ही 15 अगस्त से भाजपा के कुशासन का पर्दाफाश करने के लिए और यात्राएं भी निकाली जाएंगी। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जहां कल पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, वहीं आज 10वें दिन एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कमलप्रीत कौर कमाल कर सकती हैं। कमलप्रीत कौर यदि इस इवेंट में पदक लाने में सफल हो जाती हैं, तो वो ओलंपिक में एथलेटिक्स का मेडल लाने वाली भारतीय एथलीट बन जाएंगी। इसके साथ ही आज एक बार फिर हॉकी में ही सबकी नजरें भारतीय महिला टीम पर होंगी, जो आज क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। वहीं 10 अगस्त से शुरू हो रहे मुहर्रम को लेकर लखनऊ के डीजीपी मुकुल गोयल ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी ने कहा है कि कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और न्यायालय के आदेशों को देते हुए किसी प्रकार के जुलूस ताजिया की अनुमति ना दी जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। डीजीपी की ओर से सभी जिलों में पुलिस कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजे गए हैं और इस दौरान कहा गया है कि मुहर्रम के दौरान छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एक्शन भी लिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले सालों में ये साल अभी तक जिन जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद सामने आया है, वहां पुलिस और राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाए और विवाद को सुलझाने और साथ में संवेदनशीलता को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किए जाने, किसी भी हाल में यातायात न प्रभावित होने देने, वहीं साथ ही बैरियर्स और चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग कराने, मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन कराने, साथ ही जन सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। इस बीच कई स्थानों पर जल जमाव भी हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार यमुना बाजार, खानपुर, रोहतक रोड समेत कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है। मंगोलपुरी में बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे कि इलाके में यातायात बाधित हो गया है। इस बीच यमुना में जलस्तर फिर से बढ़ गया है। यमुना के डूब वाले क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक परिवारों को ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाया गया है। वहीं दिल्ली के लिए जुलाई का महीना मौसम की दृष्टि से बहुत ही अजीबोगरीब रहा है, क्योंकि इस महीने में 5 दिन लू चली, जो 2012 के बाद से अधिकतम है। वहीं इसके अलावा मॉनसून भी 2 सप्ताह देरी से आया, जो असामान्य है और लगभग 2 दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली मूसलाधार बारिश भी हुई है।
तो दिल्ली में बारिश से जगह जगह पर जलभराव भी हुआ है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में हिमाचल प्रदेश भूस्खलन के दौरान पत्थर को जेसीबी द्वारा जवान रितेश पाल हटा रहे थे, इसी दौरान पहाड़ियों का पत्थर जेसीबी पर गिरा, जिससे कि जेसीबी और रितेश खाई में जा गिरे, जिससे जवान रितेश पाल शहीद हो गए थे। वहीं उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव यूपी के प्रतापगढ़ जिले के पूरे भैया गांव पहुंचाया गया है, जहां शहीद की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। शहीद रितेश पाल को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वह इस दौरान सदर विधायक राजकुमार पाल और सांसद संगम लाल गुप्ता समेत और स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर जिलाधिकारी समेत सेना के जवान भी शामिल रहे। बहुत गर्व की बात है कि मेरा लड़का आज भारत माता के नाम से शहीद हुआ। ये भारत माता, ये हमारा ही लड़का नहीं, पूरे भारत देश का, भारत माता का हमारा लड़का, माने कलेजे का टुकड़ा है। हम उसके भाई, इतनी पब्लिक और इतनी जनता उसका सब बधाई दे रहे हैं, और हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारे बच्चे का, बच्चों को और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुविधा दिया जाए, और कुछ दिया जाए सुविधा, और जो उनके यादगार में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उनके नाम से जाना जाए, माने रितेश के नाम से जाना जाए। सर यही हमसे अनुरोध। वहीं मुरादाबाद के थाना कटघर और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा भदौड़ा में कुछ दिनों पहले मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। वहीं हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल दो सगे भाई और बहनोई को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भदौड़ा में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में बोरे में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। जुलाई को थाना कटघर में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात शव मिला था। इसमें थाना कटघर एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसमें तीन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, मनोज, प्रेमपाल और राजेंद्र, जो तीनों ही थाना मजोला के रहने वाले हैं। इसमें जो मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र के रूप में हुई है, इसमें मनोज और प्रेमपाल धर्मेंद्र के भाई थे। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि धर्मेंद्र बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, शराब पीता था और अपने घर में इनके साथ, उनके माता पिता के साथ अपनी बीवी से मारपीट, इस प्रकार का कार्य करता था, जिससे ये। वहीं ताज नगरी आगरा में अब सड़कों के साथ साथ हाईवे की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। हाईवे पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं और आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों और गहरे गड्ढों से स्थानीय प्रशासन रूबरू ना हो, लेकिन जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक सरकारी मशीनरी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है। वहीं खस्ता हाल सड़कों और हाईवे पर बने बड़े बड़े गहरे गड्ढों को भरने का काम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने किया है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर ने सरकार के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह प्रतिनिधि मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और सड़क पर एक उसके सहूलियत के नाम पर तो गहरे गहरे गड्ढे जो बने हैं डाल दिए हैं, मात्र अभी 6 महीने साल भर इस बने हुआ है पुल को, पर अभी से इनकी ये हालत हो गई तो यहाँ पर कई दुर्घटना हो गई। इसको देखकर बाटरबक से लेकर भगवान टॉक तक जितने भी गड्ढे हो गए इनको भरने का काम हिंदू महासभा कार्यकर्ता अपने खर्चे पर सीमेंट चम्मल से गिट्टी लेके आया और पूरे देखिएगा, सरकार द्वारा जो नारा दिया जाता है गड्ढा मुक्त प्रदेश, ये केवल धरातल पे नहीं आता है, क्योंकि योगी जी केवल वहाँ बैठ के लखनऊ में है और यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्हें जो रिपोर्ट दे देते हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो केवल उन्हें रिपोर्ट दे देते हैं कि प्रदेश में कहीं गड्ढा नहीं है। जब आपके ये चैनलों के माध्यम से खबर चलेगी तो कहीं ना कहीं योगी जी, अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि गड्ढा मुक्त प्रदेश है या केवल नारों और केवल अखबार में। वहीं औरैया के गोविंद नगर में एक बुजुर्ग ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की।
बुजुर्ग का ये कहना है कि मकान बिकवाने के लिए उनका बेटा दबाव बना रहा है और इस मामले में उसके बेटे ने उस पर चाकू से हमला भी किया। इसके बाद गंभीर हालत में बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। औरैया थाना अंतर्गत गोविंद नगर मोहल्ले में एक संतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका अपने बेटे को लेकर कुछ आपसी विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई और संतोष के सिर में चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। और वहीं आजमगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। जून में जब संक्रमण की रफ्तार थमी, इसके बाद अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन और ना ही इलाज के लिए मरीज आ रहे हैं। मंडलीय जिला अस्पताल में जहां ना तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से गेट पर मरीजों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और ना ही उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, यही हाल मरीजों और उनके परिजनों का भी है। बहुत कम ऐसे हैं जो मास्क लगाकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो मान चुके हैं कि कोरोना जा चुका है, वह ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। मंडलीय जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का बेस तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी प्लांट नहीं लगाया गया है। सभी चिकित्सालयों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस समय विशेष परिस्थिति वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर है। जहां जिन चिकित्सालयों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वहां अधिकांश संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी उत्सुक हैं कि कितनी जल्दी हमको वैक्सीन। तो आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अव्यवस्थित नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज नजर आ रहे हैं ना ही तो वो किसी भी तरह का कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो मरीज हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे हैं उनको सैनिटाइज की कोई व्यवस्था उनके साथ नहीं की गई, और साथ ही अगर बात की जाए मास्क की तो वो मास्क लगाकर भी अस्पताल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो ये मान चुके हैं कि कोरोना जा चुका है, वह ना तो मास्क लगा रहे और ना ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंडलीय जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का बेस तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक प्लांट भी नहीं लगाया गया है। गोरखपुर और आसपास के लोगों की आंखों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय पार्षद संजय कुमार श्रीवास्तव के प्रयास से आज एक दिवसीय निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आई हॉस्पिटल के द्वारा हासपुर वॉल्ट के एक विद्यालय में यह आयोजन किया गया है, जहां 200 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों का निःशुल्क चेकअप कराया है और यहाँ पर 50 से अधिक लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत भी पाई गई है। आज वास्तव में मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा हमारे सभासद घासुपुर के संजय भैया को कि इन्होंने हमारे हॉस्पिटल के एक कर्मचारी अभिषेक श्रीवास्तव जी, वो इनसे मिले और सामाजिक हित में हम लोग अभी एक कार्यक्रम चला रहे हैं, अंधता निवारण कार्यक्रम। इसमें गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जितने भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के शहरी और रूरल बेल्ट में घर घर जाकर के हम लोग हर व्यक्ति के आँखों को चेक करेंगे, वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास का हो। तो इसलिए बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर था कि सबसे पहले संजय भैया हम लोगों को ज्वाइन किए और अपने मन से ज्वाइन किए, जनहित में ज्वाइन किए, और इस पहले ही कार्यक्रम में अब तक 200 लोगों को हम लोग चेक कर चुके हैं। वार्ड में हम लोग लगातार घूमते रहते हैं वार्ड में, तो हमारे वहाँ गरीब बस्ती दो हरजन बस्ती है और मौर्या गली है, इस सब में बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनके पास आँख के ऑपरेशन कराने की क्षमता पैसा उनके पास नहीं है। इसलिए हमने राज आई हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर अनिल श्रीवास्तव जी से मुलाकात किया और बात किया कि हमारे वार्ड में एक कैंप लगवा दीजिए जो निःशुल्क
इन लोग का ऑपरेशन हो जाए, निःशुल्क देख ली जाए, टेस्ट हुआ जाए, आँखों का टेस्ट हो जाए। उसी उपलक्ष्य में आज राज हॉस्पिटल की तरफ से तत्वावधान में आज यहाँ कैंप हमारे वार्ड में लगाया गया है और सुबह से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अपना आँख का टेस्ट कराएँ। 200 के ऊपर लगभग ये टेस्ट जा रहा है और 30-40 के करीब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है। वो आज 10 के करीब आज ऑपरेशन यहाँ से राज हॉस्पिटल में गए हैं और बाकी कल परसों के अंदर लगातार 2-3 दिन में हम लोग जितने भी आज की डेट में ऑपरेशन मोतियाबिंद का निकला उनको कराया जाएगा और बाकी चश्मा। खबर कानपुर देहात से है जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर प्रधान पद का चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला सिकंदरा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोवा का है जहां पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति का ग्राम प्रधान पद का आरक्षण था, लेकिन लोवा गांव निवासी आशीष कुमार पाल की पत्नी मोहिनी देवी ने फर्जी धनकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाते हुए नामांकन दाखिल किया और चुनाव में जीत भी हासिल की। वहीं चुनाव जीतने के बाद ही अनुसूचित जाति के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत उपजिलाधिकारी से भी की। वहीं शिकायती पत्र में कहा गया है कि 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन अनुसूचित जाति के लोग आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन चुनाव उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण था, लेकिन जालसाजी से मोहिनी देवी पति आशीष कुमार ने फर्जी 80 जात के धनगर का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ी, जिसकी हम लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कई बार मैंने शिकायत की, जुलाई में 14 तारीख को हमने जिलाधिकारी कानपुर देहात, फिर 23 तारीख को जिलाधिकारी CDO मैडम को यहाँ शिकायत दी और कहा भी कि मैडम अगर हमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम 7 दिनों बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे और 7 दिन पूरे हो गए और हम आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। समस्या ये है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें SC का जो प्रमाण पत्र बनवाया गया था OBC कैटेगरी से जो पाल गडरिया जात से आते हैं उसके लिए ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया, SC सीट पर चुनाव लड़े इसी के बारे में। वहीं सोनभद्र के सदर विकास खंड के गुरमा मारकुंडी मार्ग पर रेलवे विभाग के द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड पुलिया में भारी जलभराव हो गया है। जलभराव होने से आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने अंडरग्राउंड पुलिया में मारकुंडी प्रधान उधम सिंह के नेतृत्व में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग भी की है कि जल्द इसका समाधान निकाला जाए। आपको बता दें कि ये मार्ग जिला कारागार समेत चिरुई, लोहा, मकबीरकी समेत सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला मार्ग है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने रेलवे विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। लगभग 10 दिन से पानी रुका हुआ है, कई दिन हम लोग फोन किए, यहाँ पे नंबर लिखा गया है, इसके बाद उस नंबर पे फोन करने के बाद वो लोग कहते हैं कि गलत नंबर है, कभी कहते हैं कि पानी निकल जाएगा। आज कई दिनों से हम लोग परेशान हैं, फोन करते करते आज भी फोन किया गया कि भैया पानी रेलवे वाले निकलवा दें इसमें से, जिससे आवागमन चालू हो जाए, पैदल बाइक मोटरसाइकिल जो भी लोग इसमें जा रहे हैं वाहन सीज हो जा रही है, इसमें बंद हो जा रही है गाड़ी, इतनी लापरवाही रेलवे अंडरग्राउंडिंग पुलिया बनाने से हो रहा है, जनता को परेशानी हो रही है, आए दिन दिक्कत हो रहा है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा, फोन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना पानी को निकालने का कोई कार्य किया। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी मानसूनी बारिश हो रही है। इसी मानसून बारिश की वजह से आगरा का पैंटून पुल तेज पानी के बहाव की वजह से बह गया है। पुल के बहने से इलाके में लोगों में हड़कंप मच गया है। चंबल नदी में आई बाढ़ के चलते लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाढ़ की वजह से फंसे हुए लोगों को असुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की कोशिश से हटाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।